अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी मंचूरियन। उसके लिए सबसे पहले गोभी को हम ब्लांच करेंगे जी, कुक नहीं करनी गोभी, गोभी सिंपली ब्लांच करनी है बॉइलिंग वाटर में। गोभी को कुछ देर तक बॉईल करें मगर कुक नहीं करना, बस अब इसे निकाल लेंगे हम व्यूवर्स। ये बाउल में मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, ब्लैक पेपर, ये कुटी हुई मिर्च 2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून काले मिर्च और 1/2 टीस्पून ही सॉल्ट। अब मैं एक अंडा है लिया है और थोड़ा सा ठंडा पानी। अंडा मैं शुरू में आधा डालूंगी, फिर देखूंगी अगर ज़रूरत हुई तो और मज़ीद अंडा डालेंगे। और तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैं वाटर ऐड करूँगी जी व्यूअर्स। आहिस्ते आहिस्ते मैं सारी पूरा अंडा इसमें शामिल कर दूँगी और पानी। अब ये गोभी जो ब्लांच की हुई है उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स करके मैं इसको फ्राई करूँगी। इतने में मेरा पूरा अंडा लगा है, 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में और 3 टेबलस्पून वाटर। इसमें मैंने डाली है 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून ही सॉल्ट। अच्छी तरह से इसको कोट कर लेंगे तमाम गोभी को, ब्लांच की हुई तमाम गोभी को। ऑयल गर्म होने रखा है मैंने, ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें एक एक करके तमाम गोभी ऐड करूंगी इसमें और इसको लाइट ब्राउन से थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करके हम इसे निकाल लेंगे। चलिए जी इसे टर्न करते हैं, कोई मसला नहीं, अगर ये चिपक भी जाए हम इसे इजीली बीच से कट कर लेंगे जी व्यूअर्स। देखें जी, ये मैंने गोभी 3 पार्ट्स में फ्राई की थी, एक पार्ट हो जाएगा तो मैं उसे निकाल लूँगी, फिर सेकंड पार्ट डालूँगी। इसी तरह 3 पार्ट्स में मैंने इसे, क्योंकि मेरे पास गोभी थोड़ी ज़्यादा थी, तकरीबन 1/2 किलो से 3 पाव के करीब गोभी थी, तो इसके सिर्फ मैंने फूल निकाले हैं, फ्लावर्स, इसके फ्लावर्स पिक करके मैंने इसको ब्लांच कर लिया। ब्लांच करने के बाद मैंने इसे कॉर्नफ्लावर में ब्लैक पेपर, कुटी हुई मिर्च और सॉल्ट और अंडे और थोड़े से ठंडे पानी के साथ मैंने इसका पेस्ट बनाया और इसमें तमाम गोभी ऐड कर दी। गोभी ऐड करने के बाद मैंने इसे फौरन ही फ्राई करना शुरू कर दिया है जी व्यूअर्स। गोभी फ्राई हो रही है, जैसे जैसे गोभी फ्राई होती जाएगी मैं निकालती जाऊंगी और दूसरा ब्लांच इसमें डालती जाऊंगी। चलिए जी ये सेकंड हो रहा है, अब मैं थर्ड डालूंगी और फ्राई करूंगी बहुत अच्छी तरह से ताकि क्रिस्पी सी हो जाए। अब ये गोभी इसमें कच्ची तो बिल्कुल भी नहीं होगी, पहले थोड़ा सा ब्लांच हुई थी, अब फ्राई हुई है, फिर थोड़ा सा कुक होगी मटर के साथ और शिमला मिर्च के साथ। अच्छा जी, अब इसी में मैं 3 अदद लहसुन बारीक कलिया मारी कटी हुई चॉप की हुई और प्याज भी 1 अदद छोटी चॉप की हुई मैं इसमें डालूंगी। इसी अनियन, इसी ऑयल में मैं सब डाल दूंगी जिसमें मैंने अभी गोभी फ्राई की थी। लहसुन और प्याज फ्राई हो रहा है, ये नॉर्मल प्याज है, इसकी जगह पे आप हरी प्याज के वाइट पार्ट भी डाल सकते हैं, मगर मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इसमें नॉर्मल प्याज वाइट वाली डाल दी, रेड वाली नहीं डाली, वाइट वाली। अब मैं 3 अदद हरी मिर्चें बारीक काट के इसमें ऐड करूँगी अच्छी तरह से ये हो जाए थोड़ा सा गोल्डन। हमें इसे कच्चा नहीं करना और सौते भी नहीं करना, अच्छा सा इसे कलर देना है, प्यारा सा। अच्छा सा कलर आ जाने के बाद इसमें खूबसूरत सा ग्रीन 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 चिली इसमें ऐड करेंगे, आप देखेंगे कि ग्रीन चिली के साथ कितना खूबसूरत लगेगा। चलें जी, अच्छे से फ्राई हो गई है बहुत अच्छे से और मैं ग्रीन चिली यहाँ पे काट के रेडी रखी हुई है।
ये ग्रीन चिली मैंने ऐड कर दी इसमें व्यूवर्स, देखें कितना ही प्यारा लुक आ रहा है, माशाल्लाह कितना प्यारा। इसमें है लहसुन, प्याज और उसमें गई है हरी मिर्च, माशाल्लाह। अब इसमें मैं डालूँगी 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पिसी हुई मिर्च और नमक 1 टीस्पून। ये मैंने 3 टेबलस्पून मटर लिए, 1 टीस्पून सोया सॉस और ऑस्टर सॉस लिया है, 1/2 टीस्पून टमाटर की मैंने 4 अदद टमाटर की मैंने प्यूरी बना के रखी हुई थी और 1 अदद शिमला मिर्च मैंने बारीक काट के रखी हुई थी टमाटर के साथ। अब मैं इसमें ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट, सिर्फ मिर्च पिसी हुई, हल्दी और नमक, ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करने, बस ये चंद मसाले जो हमारे हर घर में हर वक्त होते हैं। और मज़े की इससे आपको मिलेगी गोभी मंचूरियन। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स में और फ्रेंड्स के फ्रेंड्स में। अब मैंने इसमें डाली शिमला मिर्च, टमाटर की प्यूरी और मटर की, मटर आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ भुनाई करने के बाद, बहुत अच्छी तरह से इसको भुनाई करूँगी और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है व्यूवर्स, 1/2 कप के करीब, क्योंकि गोभी जब इसमें जाएगी तो वो वाटर को एब्जॉर्व कर लेगी अपने अंदर, प्लस फिर हमें इसमें कॉर्नफ्लोर भी डालना है 1 टीस्पून के करीब, ताकि इसका अच्छा सा थिक सा ग्रेवी बन जाएगी। मुझे तो बहुत ही पसंद है गोभी मंचूरियन, आप भी एक बार खाएंगे तो आपको भी पसंद आएगी, बनाइएगा ज़रूर मेरे तरीके से, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अब मैं इसे थोड़ा कुक करूँगी, फिर इसमें केचप, थोड़ा सा पिसा हुआ गर्म मसाला और 1 टीस्पून जितनी चीनी ऐड करूँगी, थोड़ा सा कुक हो जाएगा। व्यूवर्स, ये देखिए थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा वस्टर सॉस मैंने इसमें ऐड किया, ये ज़्यादा था मुझे लगा इतना ही काफ़ी होगा, 1/2 टीस्पून सोया सॉस और 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सॉस, दोनों को मैंने मिक्स करके रखा था। अब मैंने केचप लिया है 2 टेबलस्पून और 1 टीस्पून शुगर और 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गर्म मसाला, इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, बहुत अच्छी तरह से, ताकि टोमेटो केचप, शुगर और पिसा हुआ गरम मसाला तमाम चीज़ों में रस बस जाए, यानी कि आपको हर जायका इसमें मिलेगा, हर बाइट में आपको तमाम चीज़ों का टेस्ट मिलेगा। देखिए केचप की रेडनेस कितनी प्यारी लग रही है, रेड रेड झाग केचप डली हुई। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ कॉर्नफ्लोर जो मैंने वाटर के साथ सॉल्व करके रखा हुआ था, उसे मैंने डाला। अब थोड़ा सा कुक करूँगी, आपको जितना थिक ग्रेवी रखना हो आप रख सकते हैं। जी व्यूवर्स, अब मैंने इसे गार्निश कर दिया हरे धनिया की पत्तियों के साथ, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।